Today we are going to see assignment problems. The assignment problem is an allocation problem. It is a special type of transportation problem in which the number of sources equals to the number of destinations and all demand and capacity corresponding to destinations and sources equals to 1 unit. तो देखिए ये जो असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम इज टू असाइन अ नंबर ऑफ ओरिजिन्स टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस एट अ मिनिमम कॉस्ट फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट. देर आर टू टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स. फर्स्ट इज बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सेकेंड इज अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम. तो देखिए बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स किसको बोलेंगे कि जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स उसको क्या बोलेंगे हम बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम. सेकंड टाइप कौन सा है अनबैलेंस्ड. अनबैलेंस्ड किसको बोलेंगे जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स. तो इस केस में क्या करना रहता है हमें आइदर डमी रो और डमी कॉलम हमें उसमें ऐड करना रहता है. ठीक है तो देखिए आज हम देखेंगे हंगेरियन मेथड ऑफ सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन केस. तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स लिखे ऑफ सॉल्विंग द हंगेरियन मेथड. फर्स्ट स्टेप क्या है कंसीडर द गिवन कॉस्ट मैट्रिक्स चेक वेदर इट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अदरवाइज एड डमी रो और कॉलम विथ जीरो कॉस्ट. तो देखिए ये जो स्टेप्स हैं हम इसके साथ में एक एग्जांपल भी देखेंगे. ठीक है तो देखिए पहला स्टेप क्या बोला है गिवन मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं ये हमें चेक करना है. तो देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम विथ मिनिमाइजेशन. तो देखिए ये अपना कॉस्ट मैट्रिक्स है तो सबसे पहले चेक क्या करना है हमें कि गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं. तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1, 2, 3, 4 और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4 यानी कि गिवन मैट्रिक्स क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स. देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा है क्या लिखा है कंसीडर द गिवन मैट्रिक्स विच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है. सेकेंड स्टेप देखिए क्या है सिलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स ऑफ दैट रो. देखिए अभी क्या करना है हमें ये जो अपना गिवन मैट्रिक्स है उसमें से हमें क्या करना है हर एक रो में जो मिनिमम एलिमेंट है उसको फाइंड आउट करना है. तो देखिए फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है 1 सेकंड में क्या है 7 थर्ड रो में मिनिमम वैल्यू क्या है 4 और फोर्थ रो में मिनिमम वैल्यू क्या है 5. तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है फर्स्ट रो के लिए 1 सेकंड रो के लिए 7 थर्ड रो के लिए 4 और फोर्थ रो के लिए मिनिमम वैल्यू क्या है 5. थर्ड स्टेप क्या है सिलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच कॉलम ऑफ रिड्यूस्ड मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स ऑफ दैट कॉलम. तो देखिए सेकंड स्टेप में क्या करना है हमें रो रिडक्शन करना है. तो देखिए यहाँ पे क्या करना था 1-1, 4-1, 6-1, 3-1 सेम तरीके से सेकंड रो के लिए मिनिमम वैल्यू कौन सी थी 7. तो यहाँ पे क्या करेंगे 9-7, 7-7, 10-7, 9-7 सेम तरीके से अप्लाई करना है थर्ड रो के लिए और फोर्थ रो के लिए. तो हमें देखिए यहाँ पे क्या मिल गया रिड्यूस मैट्रिक्स देखिए 0-3-5-2, 2-0-3-2, 0-1-7-3, 3-2-3-0 ये क्या हो गया रो रिडक्शन. अभी थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कॉलम रिडक्शन. तो देखिए हर एक कॉलम के लिए हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है. तो देखिए फर्स्ट कॉलम में मिनिमम वैल्यू क्या है 0 सेकंड कॉलम में 0 थर्ड कॉलम में 3 और फोर्थ कॉलम में क्या है मिनिमम वैल्यू 0. देखिए यहाँ पे स्टेप 3 सॉल्व किया हुआ है सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स ऑफ दैट कॉलम. तो देखिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या मिल गया देखिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 है इसलिए फर्स्ट कॉलम एज इट इज आ जाएगा. सेकंड कॉलम में भी मिनिमम वैल्यू क्या है 0 है तो सेकंड कॉलम भी एज इट इज आ जाएगा. थर्ड देखिए 5-3, 3-3, 7-3, 3-3
तो देखिए नई वैल्यूज क्या मिल गई है हमें यहाँ पे 2040। सेम तरीके से देखिए फोर्थ कॉलम में क्या है, मिनिमम वैल्यू 0 है, तो फोर्थ कॉलम क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। तो ये आ गया अपना फोर्थ कॉलम 2230। अभी हमें सॉल्व करना है स्टेप 4। तो देखिए स्टेप 4 में क्या करना है, मेक द असाइनमेंट्स फॉर द रिड्यूस मैट्रिक्स फ्रॉम स्टेप 1 एंड 2। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, असाइनमेंट करना है। तो देखिए असाइनमेंट कैसे करेंगे हम, उसके लिए यहाँ पे रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग करना पड़ेगा। रो स्कैनिंग में कैसे करेंगे देखिए, एग्जामाइन द रोज सक्सेसिवली अनटिल अ रो विथ एग्जैक्टली 10 इज फाउंड। मेक एन असाइनमेंट टू दिस जीरो बाय पुटिंग स्क्वेयर अराउंड इट एंड स्ट्राइक ऑफ ऑल अदर जीरोज अपीयरिंग इन द करस्पॉन्डिंग कॉलम। और बी पार्ट में क्या करना है हमें, एग्जामाइन द कॉलम सक्सेसिवली अनटिल अ कॉलम विथ एग्जैक्टली 10 इज फाउंड। मेक एन असाइनमेंट टू दिस जीरो बाय पुटिंग स्क्वेयर अराउंड इट एंड स्ट्राइक ऑफ ऑल अदर जीरोज अपीयरिंग इन द करस्पॉन्डिंग रोज। कंटिन्यू दिस अनटिल ऑल द कॉलम्स हैव बीन एग्जामाइन। रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन करने के बाद देखिए नई वैल्यूज क्या है, 0203 3012 2040 2230। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी देखिए रो स्कैनिंग करना है। रो स्कैनिंग में देखिए फर्स्ट रो में कितने जीरोज है, एक ही जीरो है, तो हमने क्या किया यहाँ पे उसका असाइनमेंट किया, और उस कॉलम में आने वाले जीरोज को क्या किया हमने, स्ट्राइक ऑफ कर दिया, क्रॉस कर दिया। ठीक है, अभी सेकंड रो देखिए, सेकंड रो में कितने जीरो है, दो जीरोज है, तो हम यहाँ पे असाइनमेंट नहीं कर सकते। अभी थर्ड रो में कितने जीरोज है, एक भी नहीं है। फोर्थ रो में कितने जीरोज है, दो जीरोज है, तो इसलिए यहाँ पे भी हम असाइनमेंट नहीं कर सकते। अगर एक ही जीरो आता है तभी हम वहाँ पे असाइनमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने जीरोज है, दो जीरोज है, इसलिए हम यहाँ पे असाइनमेंट नहीं कर सकते। अभी क्या करेंगे, कॉलम स्कैनिंग करेंगे। ठीक है, अभी देखिए सेकंड कॉलम में एक ही जीरो है, तो हम क्या करेंगे, इसका असाइनमेंट करेंगे, और उस रो में आने वाले जीरोज को क्या करेंगे, हम स्ट्राइक ऑफ करेंगे। अभी देखिए थर्ड कॉलम में एक ही जीरो मिल रहा है, उसका हम असाइनमेंट करेंगे और उस रो में आने वाले जीरो को क्या करेंगे, स्ट्राइक ऑफ करेंगे। रिपीट स्टेप 4A एंड 4B अंटिल ऑल जीरोज इन रोज और कॉलम्स आर आइदर मार्क्ड और स्ट्राइक ऑफ। इफ द नंबर ऑफ असाइनमेंट्स मेड आर इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द कॉस्ट मैट्रिक्स देन इट इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अदरवाइज गो टू द स्टेप 5। अभी यहाँ पे देखिए कितने असाइनमेंट्स हुए हैं, 1 2 3, तीन ही असाइनमेंट्स हुए हैं, तो ये क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक नहीं पहुँचे, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, स्टेप 5 पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए स्टेप 5 क्या है, ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स टू कवर जीरोज इन द रिड्यूस्ड मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम स्टेप 4। तो देखिए पहला स्टेप क्या है, मार्क ऑल रोज फॉर विच द असाइनमेंट हैज नॉट बीन डन। अभी देखिए पहला स्टेप क्या है, कौन से रोज को मार्क करना है जहां पे असाइनमेंट नहीं हुआ है। अभी देखिए फर्स्ट रो में असाइनमेंट हुआ है, सेकंड रो में भी हुआ है, थर्ड रो में असाइनमेंट नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे थर्ड रो को यहाँ पे मार्क करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, मार्क ऑल कॉलम्स दैट हैव जीरोज इन द मार्क्ड रोज 5B। तो देखिए इन दिस रो क्रॉस जीरो अकर्स एट फर्स्ट कॉलम। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस जीरो कहाँ पे है, फर्स्ट कॉलम में, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे मार्क करेंगे। स्टेप 3 क्या है, सी देखिए, मार्क ऑल रोज दैट हैव असाइनमेंट्स इन मार्क कॉलम। सी स्टेप में क्या है, इन द फर्स्ट कॉलम, अभी देखिए फर्स्ट कॉलम में हमें यहाँ पे असाइनमेंट मिला था, इन द फर्स्ट कॉलम असाइनमेंट अकर्स एट द फर्स्ट रो। क्रॉस जीरो कहाँ पे मिला है हमें, फर्स्ट कॉलम में मिला है, और फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट कहाँ हुआ है, फर्स्ट रो में मिला है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट रो को भी यहाँ पे मार्क करेंगे। देखिए एक बार फिर से बोल रही हूँ, जिस रो में असाइनमेंट नहीं हुआ है, कौन से रो में असाइनमेंट नहीं हुआ था, थर्ड रो में, इसलिए मैंने क्या किया थर्ड रो को यहाँ पे मार्क किया। अभी देखिए थर्ड रो में क्रॉस जीरो कहाँ पे मिल रहा है हमें,
फर्स्ट कॉलम में मिल रहा है, इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे मार्क किया। अभी फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट कहाँ पे हुआ है, फर्स्ट रो में हुआ है, इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट रो को यहाँ पे मार्क किया। अभी देखिए डी स्टेप क्या है, रिपीट स्टेप 5A to 5C अंटिल नो मोर रोज और कॉलम्स आर लेफ्ट। अभी देखिए लास्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स थ्रू ऑल अनमार्क्ड रोज एंड मार्क्ड कॉलम। अभी देखिए लाइन कहाँ पे खींचना है हमें, अनमार्क्ड रोज, अनमार्क्ड रो कौन सा है, सेकंड रो एंड फोर्थ रो, और मार्क्ड कॉलम कौन सा है अपना, फर्स्ट कॉलम है मार्क्ड। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इफ द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉन आर इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द कॉस्ट मैट्रिक्स देन इट इज एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, अदरवाइज गो टू स्टेप 7। तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स कितने हैं, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कितने हैं 3, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने अपने 4, मतलब कि हम ऑप्टिमल सोल्यूशन तक यहाँ पे नहीं पहुँचे, तो हमें नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है, स्टेप 7, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट अमंग ऑल द अनकवर्ड एलिमेंट्स, सब्ट्रैक्ट दिस स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ऑल द अनकवर्ड एलिमेंट्स एंड एड इट टू द एलिमेंट विच लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स, हेंस वी ऑब्टेन अनदर रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स फॉर फ्रेश असाइनमेंट। तो देखिए यहाँ पे अभी क्या करना है हमें, अनकवर्ड एलिमेंट कौन कौन से, यहाँ पे 3, 2, 2, 1, 4, 3, तो अनकवर्ड एलिमेंट से स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 1 है, तो 1 को हम क्या करेंगे, जो भी रिमेनिंग अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से क्या करेंगे, ये 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, 3 - 1, 2 - 1, 2 - 1, 4 - 1, 3 - 1, ठीक है, और जहाँ पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, टू लाइन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहाँ पे ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे 2 की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 + 1, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 + 1, 4 हो जाएगा, और जो अदर एलिमेंट्स है लाइन्स पे आने वाले अदर एलिमेंट्स है वो एज इट इज आ जाएंगे, जैसे कि ये 0 है, ये 0 भी 0 आ जाएगा, ये 0, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। एक बार फिर से बोल रही हूँ मैं, देखिए क्या करना है हमें इस स्टेप में, जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है उसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें सिलेक्ट करना है, कौन सा है अपना स्मॉलेस्ट एलिमेंट, 1 है, तो रिमेनिंग अनकवर्ड एलिमेंट से स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जहाँ पे लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 की जगह पे ऐड करेंगे, यहाँ पे 3 की जगह पे ऐड करेंगे, और लाइंस पे जो अदर एलिमेंट्स है एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। तो नया वाला मैट्रिक्स हमें देखिए कैसे मिलेगा, 0 - 1, 1, 3 - 0, 0 - 3, 2, 4 - 0, 0। अभी देखिए स्टेप 8 क्या है, गो टू स्टेप 4 एंड रिपीट द प्रोसीजर अंटिल एन ऑप्टिमल सोल्यूशन इज ऑब्टेन। स्टेप 9 क्या रहेगी, राइट डाउन द ऑप्टिमल असाइनमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू द असाइन जीरोज। तो देखिए अभी क्या करना है हमें, यहाँ पे फिर से असाइनमेंट करना है। अभी देखिए हम क्या करेंगे, रो वाइज जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए फर्स्ट रो में कितने जीरोज है, 1 ही जीरो, तो हम क्या करेंगे उसका असाइनमेंट करेंगे, और उस कॉलम में आने वाले जीरोज को क्या करेंगे हम, स्ट्राइक ऑफ। अभी सेकंड रो में देखिए कितने जीरोज है, 2 जीरोज है, तो यहाँ पे हम असाइनमेंट नहीं कर सकते। थर्ड रो में देखिए 1 ही जीरो मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे असाइनमेंट करेंगे, इस जीरो को हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। थर्ड रो में कितने जीरोज है, 2 जीरोज है, तो हम यहाँ पे असाइनमेंट नहीं कर सकते। ये हो गया रो स्कैनिंग। अभी क्या करेंगे हम, कॉलम स्कैनिंग करेंगे। तो देखिए फर्स्ट कॉलम में तो हो गया है, सेकंड कॉलम में भी ऑल जीरोज क्रॉस है। अभी देखिए थर्ड कॉलम में कितने जीरोज है, 2 जीरो है। फोर्थ कॉलम में कितने जीरो है, 1 जीरो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको क्या करेंगे, असाइनमेंट करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे लास्ट में सिर्फ 1 ही जीरो मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे असाइनमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हियर नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, और अपने कॉस्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 4, दैट इज 4 = 4, देयरफॉर दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। स्टेप 9 क्या है, राइट डाउन द ऑप्टिमल असाइनमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू द असाइन जीरोज। और लास्ट स्टेप क्या रहेगी,
Find optimal cost if needed by adding the cost at assigned points in the cost matrix. तो देखिए यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देयरफॉर दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन. तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखिए अभी क्या निकालेंगे, ये क्या थे अपने जॉब्स, ये क्या थे मशीन्स. तो देखिए जॉब 1, 2, 3, 4 यहाँ पे क्या लिखा है, जॉब्स, यहाँ पे मशीन्स. तो देखिए जॉब 1 के लिए कौन सी मशीन में असाइनमेंट हुआ है, मशीन M1 के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे जॉब J1 के लिए मशीन कौन सा है, M1. जॉब J2 के लिए असाइनमेंट कहाँ हुआ है, मशीन 3 के यहाँ पे असाइनमेंट हुआ है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, M3. जॉब 3 के लिए असाइनमेंट कहाँ हुआ है, मशीन 2 की साइड पे. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, M2. और जॉब 4 असाइनमेंट कहाँ हुआ है, मशीन 4 के साइड में. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, M4. और ये जो टाइम निकालना रहता है ये कहाँ पे, कहाँ से निकालेंगे हम, जो अपना ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स है वहाँ से निकालेंगे. तो देखिए अपना ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे देखिए जॉब 1 मशीन M1, जॉब 1 मशीन M1 की कॉस्ट कितनी है, 1. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1. जॉब 2 मशीन M3, जॉब 2 मशीन M3 की कॉस्ट कितनी है, 10. जॉब 3 M2, 5. और जॉब 4 M4 कितना है, 5. टोटल कितना हुआ, 21. देयरफॉर टोटल प्रोसेसिंग टाइम इज 21 आवर्स.